राजस्थान में राज्यसभा चुनाव पर छिड़ा घमासान, कांग्रेस का बीजेपी पर विधायकों की सेंधमारी का आरोप, सीएम अशोक गहलोत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी रहे मौजूद। चुनाव को एक बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस पर मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की। सीएम गहलोत ने कहा, जनता प्रधानमंत्री मोदी के कारनामों को देख चुकी है, उनकी फांसीवादी सोच से है वाकिफ। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, लोगों को जाति धर्म में बांटने वाली बीजेपी की कांग्रेस मुक्त भारत की नहीं पूरी होगी मंशा, देश के डीएनए में है कांग्रेस। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भरोसा, कांग्रेस और समर्थक विधायकों में कोई नहीं लगा सकता सेंध। राज्यसभा चुनावों के अंदर हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जी यहां से चुनाव जीतकर जाएंगे, इसमें किसी को कोई किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, गहलोत बताएं किस किस विधायक को दिया गया ऑफर। राज्यसभा के लिए कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और नीरज जांगी मैदान में, बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और उनका सिंह लखावत को उतारा है मैदान में, चौथा उम्मीदवार उतारने पर फंसा पेच। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का बयान, विधायकों को बीजेपी 25 करोड़ के ऑफर दे रही है, मुझे जानकारी नहीं, राज्यसभा के लिए दोनों उम्मीदवारों की जीत तय। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कम क्यों हो रही है टेस्टिंग, शवों को लेकर बद इंतजामी पर जताई नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में पूरे इलाके की सीलिंग के फैसले को बताया गलत, नोएडा के डीएम फिर से करें विचार। मुंबई में बीमार बुजुर्ग मां को लेकर 24 घंटे तक भटकते रहे एक वकील, इलाज में देरी से मां ने तोड़ा दम। मुंबई पुलिस में कोरोना का कहर जारी, दो दिन में सामने आए 120 नए मामले। मुंबई पुलिस में अब तक 2028 मामले, 22 पुलिस वालों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के एक और मंत्री को कोरोना, मंत्री धनंजय मुंडे की कोरोना जांच पॉजिटिव। महाराष्ट्र सरकार में कोरोना पीड़ित होने वाले तीसरे मंत्री धनंजय मुंडे, मुंडे से जुड़े 6 स्टाफ भी कोरोना पीड़ित, सभी को क्वारंटीन किया गया। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में करीब 1000 कोरोना पीड़ित बढ़े, कुल कोरोना केस 2,97,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड मौत, 396 लोगों की गई जान, कोरोना से अब तक कुल 8,400 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना पीड़ितों में भारत का दुनिया में चौथा नंबर, अमेरिका, रूस और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित भारत में। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 1,877 नए कोरोना पीड़ित आए सामने, अब तक 34,687 कोरोना केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 65 लोगों की गई जान, दिल्ली में कुल 1,085 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ी, अब तक 244 कंटेनमेंट जोन, उत्तरी दिल्ली में सबसे ज्यादा 36 कंटेनमेंट जोन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लॉकडाउन से पल्ला झाड़ा, कहा दिल्ली सरकार केंद्र से लॉकडाउन की नहीं करेगी सिफारिश। दिल्ली सरकार के अस्पतालों के हालात पर उठे सवाल, एलएनजेपी का एक वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी के वार पर केजरीवाल सरकार का पलटवार, कहा मनोबल गिराने वाला है एलएनजेपी का वायरल वीडियो। दिल्ली सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप, साउथ एमसीडी के चेयरमैन का दावा, 2000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा की मुख्यमंत्री केजरीवाल से सख्त अपील, कहा सख्त कदम उठाए मुख्यमंत्री, नहीं तो दिल्ली हो जाएगी तबाह। मनजिंदर सिरसा ने कहा, दुखी मन से पंजाबी बाग शमशान घाट का वीडियो कर रहा हूं वायरल, एक दिन में 67 लोगों का हुआ दाह संस्कार। दिल्ली हाईकोर्ट में राजधानी दिल्ली में 30 जून तक लॉकडाउन लगाने की मांग से जुड़ी दोनों जनहित याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा लॉकडाउन को हटाना या रखना सरकार का काम। गुरुग्राम में कोरोना के 90 नए केस सामने आए, कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,636 के पार पहुंचा, अब तक 13 की मौत। ओडिशा में भी कोरोना की बढ़ी रफ्तार, 24 घंटे में 112 नए मरीज सामने आए, राज्य में अब तक 3,498 कोरोना पीड़ित। औरंगाबाद सेंट्रल जेल में 60 कैदियों और जेल कर्मचारियों को कोरोना, जेल प्रशासन ने शुरू किए एहतियाती इंतजाम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर समेत कई इलाकों में लॉकडाउन जारी, जम्मू कश्मीर में है 4,574 कोरोना पीड़ित
यूपी में बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्घाटन। लखनऊ में सीएम योगी ने योजना का उद्घाटन किया। अयोध्या विवाद सुलझा, लेकिन अब काशी मथुरा पर फंसा पेच, सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कानूनी कार्रवाई फिर शुरू करने की मांग। काशी मथुरा विवाद पर विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को दी चुनौती। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में प्रावधान, 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज और भविष्य में भी उसी का होगा। अयोध्या विवाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से रखा गया था बाहर, उस दौरान अयोध्या विवाद पर चल रहा था केस। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तेज होश, अली सरगर्मी, शिलान्यास में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से खुश है इकबाल अंसारी, कहा पीएम के आने से मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या का होगा विकास। राजस्थान के करौली में एक जैन मुनि पर दो महिलाओं ने रेप का लगाया आरोप, केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मुंबई के घाटकोपर इलाके में नाले में मिला बच्चे का शव, गुरुवार को खेलते वक्त नाले में गिर गया था मासूम। आंध्र प्रदेश में एसीबी ने टीडीपी विधायक अचेम नायडू को किया गिरफ्तार, दवा खरीद से जुड़े ईसीआई घोटाले में हुई गिरफ्तारी। राजस्थान की बारा में टिड्डियों के दल ने फिर किया हमला, किसान परेशान, फसल बर्बाद होने के पर मुआवजे की मांग। फतेहपुर शेखावटी में तीन हाईवे को जोड़ने वाला पुल बनकर तैयार, अंबाला हिसार, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर के लिए आसान होगी राह। कोरोना काल में जनता पर महंगाई की भी मार, लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम, आज पेट्रोल 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल 59 पैसे प्रति लीटर फिर हुआ महंगा। पिछले 6 दिनों में पेट्रोल के 3 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम, डीजल 3 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो चुका है महंगा। यूपी के मुरादाबाद में कारोबारी की सूझबूझ से पकड़े गए, घर में घुसे दो छात्र बदमाश, हथियारबंद बदमाशों को कैद कराने में सीसीटीवी का रहा अहम रोल। कारोबारी ने दफ्तर में बैठे बैठे सीसीटीवी पर घर में घुसे बदमाशों को देखा, घर पर फोन कर परिजनों को दरवाजा नहीं खोलने की हिदायत दी, इस बीच खुद घर पहुंचकर बाहर से मेन गेट बंद कर दिया। सूचना पर सिर्फ 7 मिनट में पहुंची पुलिस, घर पर छिपे दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर नेपाली सेना द्वारा की गई फायरिंग, खेत से काम कर रहे एक मजदूर की मौत, दो घायल। मध्य प्रदेश के पन्ना में खतरनाक हादसा, टायर फटने से बस और ट्रक की टक्कर, 2 लोगों की मौके पर मौत। तमिलनाडु के फंडकोयम में हेलीकॉप्टर हादसा, खेत में गिरने के बाद लगी आग। नोएडा पुलिस पर एक युवक को पीटने का आरोप, वीडियो वायरल। अकोला में भालू से शिकारियों ने लिया बदला, अपने बच्चे को मारने वाले 2 लोगों को मारा। कोरोना संकट के मद्देनजर दिल्ली में जामा मस्जिद को फिर किया गया बंद, 30 जून तक बंद रहेगी जामा मस्जिद। कोरोना संकट के बीच कोलकाता में लाइव कैमरा एक्शन, टॉलीवुड की कई फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग शुरू। 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, अस्पताल में भर्ती कार्यकर्ता की हालत गंभीर। कोरोना संकट के बीच बीजेपी ने किया हमले का विरोध। भोपाल में कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं मामले, कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर शनिवार रविवार को रहेगा लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था रंगभेद का पाठ, इंडिया टुडे की खबर पर राज्य के शिक्षा मंत्री ने कराई कार्रवाई। रंगभेद के सबक पर वर्धमान म्यूनिसिपल गर्ल्स हाई स्कूल पर कार्रवाई, प्रिंसिपल और एक टीचर निलंबित, प्री प्राइमरी सेक्शन की किताब पर उठा बवाल। सूरत में 3 डायमंड कंपनियों पर कार्रवाई, अमृत भगवती और श्रीजी डायमंड कंपनी पर नियम तोड़ने का आरोप। लखनऊ में पुलिस से मुठभेड़ में शातिर बदमाश को लगी गोली। यूपी के रामपुर में 3 गौ तस्करों से हुई पुलिस की मुठभेड़, 1 तस्कर को लगी गोली। यूपी के शामली में एक एमआर की गोली मारकर हत्या, कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने पुलिस को जल्द हथियारों की धरपकड़ के आदेश दिए। कोटा में कार सवार बदमाशों का पेट्रोल पंप पर लूट के इरादे से हमला, 7 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के स्वरूपनगर में केमिकल गोदाम में भीषण आग, 16 दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नागपुर के काटोल और भंडारा के बीच टिड्डियों का फिर से हमला, ड्रोन के जरिए छिड़का जा रहा कीटनाशक। शंघाई की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में मिथिला पेंटिंग्स का जलवा। वर्धमान में 2 साल के बच्चे ने कोरोना को दी मात, 14 दिनों के इलाज के बाद घर लौटा। दिल्ली में अब कम्युनिटी लेवल पर कोरोना से इलाज की तैयारी, आरडब्ल्यूएम में लोगों ने मिलकर जुटाई ऑक्सीजन कंसेंट्रेट मशीनें। कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में पुजारी ने पीपीई किट पहनकर कराई पूजा। कोलकाता में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पेशल मिठाई सौंदेश। कोरोना संकट के वक्त इंडिया टुडे ग्रुप ने बढ़ाया है
मदद के हाथ, यूपी के बांदा में 8 गांवों के 1500 लोगों को केयर टुडे ने बांटा राहत का सामान। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 50,000 का नामी बदमाश संजीव खड़खड़ी गोली से घायल गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में पुलिस एनकाउंटर के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार। जोधपुर के सरदारपुरा रोड पर गन पॉइंट पर सुनार को लूटा गया, 200 ग्राम सोना और 700 ग्राम चांदी के साथ कैश भी लूटकर भागे बदमाश। अलीगढ़ में पुलिस ने 3 एटीएम चोरों को पकड़ा, एटीएम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तीनों। बांदा में एक नाबालिग से रेप, गांव के ही एक शख्स पर लगा आरोप।